दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि गर्भवती महिला को 9 महीने पार करने के बाद जब डिलीवरी का वक्त आता है तो वो उसके लिए एक आखिरी ऐसा पल होता है जब उसे काफी पीड़ा होती है और उसके बाद उसकी सारी पीड़ाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रसव के बाद भी कई छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो महिला को परेशान करती हैं, लेकिन घर के अंदर एक नन्हे मुन्ने मेहमान के आ जाने से वो छोटी मोटी परेशानियां भी माँ को ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताऊंगी सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद होने वाली नॉर्मल समस्याओं के बारे में। टिप नंबर 1 है योनि का छिलना। जी हाँ, प्रेगनेंसी या फिर प्रसव के बाद योनि का छिलना एक सामान्य समस्या है, क्योंकि बच्चे का आकार बड़ा होता है, उसे बाहर निकालने की समस्या के दौरान ऐसा हो जाता है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से इसको ठीक करने के लिए परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये समस्या कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। आप कुछ सावधानियां भी बरत सकते हैं, जैसे कि जब भी आप टॉयलेट जाएं तो उसके बाद गुनगुने पानी से अपनी योनि को साफ करें, साफ अंडरगार्मेंट्स पहनें और अच्छा आहार लें। ऐसा करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 2 है संक्रमण। डिलीवरी के दौरान योनि से निकलने वाले पानी से अक्सर महिला को संक्रमण हो जाता है, जो कि एक सामान्य बात है। आप चाहे तो इसके लिए डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं और साफ सफाई पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये संक्रमण कुछ ही दिनों का होता है जो वक्त के साथ और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने आप ठीक हो जाता है। टिप नंबर 3 है ब्लीडिंग। डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला जब बच्चे को पैदा कर देती है तो उसके बाद काफी भारी मात्रा में ब्लीडिंग होती है। टिप नंबर 4, पेशाब करने में दिक्कत आना। प्रसव के तुरंत बाद पेशाब करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिला को, क्योंकि वो एरिया बुरी तरीके से घायल हो जाता है। बच्चे को बाहर निकालने की जद्दोजहद में ये एरिया काफी बुरी तरीके से छिल जाता है। योनि के छिलने के कारण पेशाब करने में काफी समस्या होती है। नंबर 5, भ्रूण को चोट लगना। पेट के अंदर यदि बच्चे की स्थिति सामान्य से कुछ हटकर या फिर बच्चे की स्थिति उल्टी होती है तो बच्चे को बाहर निकालते समय भ्रूण को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे नॉर्मल डिलीवरी में होने वाली कुछ नॉर्मल समस्याएं। आप इन सारी बातों पर ध्यान डालते हुए अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।